हाँ तो भाई लोग, जैसा कि तुम यहाँ पे देख सकते हो, सिल्वर सर्फर टीयर फोर हो चुका है। तो चलिए खेला शुरू करते हैं और देखते हैं टीयर फोर सिल्वर सर्फर क्या कुछ कर सकता है। लेकिन किंतु परंतु उससे पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट न्यूज देना चाहता हूँ गाइज। यहाँ पे आप देख सकते हो मार्च अपडेट का इवेंट चालू हो गया है, मतलब नोटिफिकेशन आ गया है। और यहाँ पे सिल्वर सर्फर जो मैंने थंबनेल में लगाया है, यहीं से लगाया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कुछ यहाँ पे इवेंट वगैरह आने वाले हैं। कब से शुरू होंगे, क्या क्या इवेंट आएगा, वो थोड़ा सा जान लेते हैं। बस एक मिनट लगेगा, ठीक है। उसके बाद में सिल्वर सर्फर टीयर फोर का परफॉर्मेंस देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो 3/17 संडे से चालू होगा ये 7 डे चेक इन। बाकी देखो गोल्ड मिशन यहाँ पे चालू होने वाला है 3/12 से, 12 तारीख यानी कि कल से। और यहाँ से आप थोड़े बहुत मटेरियल वगैरह ले सकते हो गोल्ड से, ठीक है। बाकी देखो यहाँ पे है कैरेक्टर रैंकिंग इवेंट और ये चालू होगा 16 तारीख को यानी कि सैटरडे को। और अगर आप सिल्वर सफर को बिल्ड करते हो तो उसके बदले में आपको मिलेगा क्रिस्टल, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है सरप्राइज न्यू वेबरेनियम गिफ्ट चेस्ट और यहाँ से आपको मेगा टीयर 2 टिकट भी मिल सकता है। तो गुड लक फॉर मेगा टीयर 2 टिकट। और जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है जिसके लिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये इवेंट दिखा रहा हूँ, वो ये है भाई कॉमिक कार्ड यानी कि कॉस्ट 50% डिस्काउंट इवेंट। ये आने वाला है और कब आएगा, ये आएगा आज से। रीसेट जैसे ही होगा आज से ही ये चालू हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे अगर आपको कोई कार्ड निकालना है, किसी कार्ड को चेंज करना है, तो 50% डिस्काउंट पे कर सकते हो, इसका फायदा आप ले लेना, ठीक है। प्लीज चेंज कर लेना अगर करना होगा तो। बाकी हाँ, आर्ट बुक ये चुतियापंती मत करना, ये सब बकवास चीज है। बस गाइज इतना ही है। और हाँ, कॉस्मिक कोर इवेंट, यस कॉस्मिक कोर इवेंट भी आने वाला है। ये कब से चालू होगा, यहाँ पे आप देख लो 12 तारीख यानी कि कल से ये चालू हो जाएगा। और यहाँ से आपको CTP मिल सकता है, गुड लक फॉर CTP, लेकिन क्रिस्टल नहीं लगाना है। अगर लगाने का बहुत ज़्यादा मन करेगा, ऐसा अगर पिछवाड़े में गुदगुदी हो रही है या फिर खुजली हो रही है, तो फिर 200-400 क्रिस्टल लगा सकते हो, नहीं तो क्रिस्टल नहीं लगाना रहता है यहाँ पे, ठीक है। बहुत फ़ायदा नहीं होता, कभी कभी कट जाता है। तो बस इतना ही था इसमें। बाकी चलो अब देख लेते हैं सिल्वर सर्फर टीयर 4 का परफॉर्मेंस। बाकी उससे पहले तुम यहाँ पे बिल्ड देख लो थोड़ा सा। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, और ये देखो यूनिफॉर्म नॉर्मल पे है। और कार्ड देखो यहाँ पे, ये वाला कार्ड है इस इफेक्ट के साथ में, ठीक है। लेस को गाइस टाइमलाइन बैटल में चलते हैं। और हाँ, CTP यहाँ पे आप देख सकते हो, CTP ऑफ रीजेनरेशन माइटी वाला। चलो देखते हैं रीजेनरेशन के साथ में ये कैसा काम करता है टाइमलाइन बैटल में। लेस को गाइस, लेस को। दिव्यांशु भाई क्या करके रखा है, नहीं खेलना था ना एक बार। तो चलो गाइस यहाँ पे हम खेल लेते हैं मैच। ये है नंबर 1 बंदा और इसके खिलाफ हम खेल लेते हैं वो भाई सिल्वर सर्फर टीयर 4 एडम एंड वुल्वरीन। लेस को देखते हैं हमारा सिल्वर सर्फर इसके सिल्वर सर्फर के सामने क्या करेगा और क्या हम पूरे टीम को मार पाएंगे। लाइक हमारे पास स्पाइडरमैन भी है और हमारे पास एडम भी है, तो देखते हैं गाइस क्या होता है। ओके, लेस को ऑटो पे चलेगा, पहला मैच ऑटो। अब भाई स्पाइडरमैन स्विच कर ले भाई, तू आ जा इधर। ओके, स्पाइडरमैन पहले उतर गया क्यों भाई, सिल्वर सर्फर को उतरना चाहिए था। ओके, कोई बात नहीं। और यस यहाँ पे, ओके ठीक है, हम लगाते हैं सिल्वर सर्फर। अबे भाई स्विच करने दे यार, ठीक है सिल्वर सर्फर को लगाते हैं। एंड यस एक बार मार दिया इसने, ठीक है। एंड देखते हैं दूसरा मैच, और ये वन शॉट हो गया। ओके ओके, फिर से जिंदा होगा ये। और इसने, ओ भाई साहब ये खड़े खड़े मर गया यार, क्या मजाक हो रहा है। ओके ठीक है, स्पाइडरमैन जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे भाई मर गया। चलो अब देख लेते हैं नंबर 2 के खिलाफ ये बंदा। ओके, ये बंदा सिल्वर सर्फर एंड वुल्वरीन एंड एडम लेके आया है, ठीक है। लेट्स गो गाइज एक बार और देख लेते हैं। हाँ अभी मैनुअल पे मारेंगे, ठीक है, मैनुअल पे करके मारेंगे। 1, 2, 3 खेल लेते हैं पहले। लेट्स गो सिल्वर सर्फर वी एस सिल्वर सर्फर। एंड ये 70 पे है, हमारा टीयर 4 पे है। क्या 70 वाला हमारे टीयर 4 को मार पाएगा, एक बार हमने मारा इसको और ये फिर से जिंदा हो गया। अरे भाई रिफ्लेक्ट, नहीं 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 3 स्किल यूज कर। अबे 3 स्किल, ओके मार दिया बगैर 3 स्किल यूज किए मार दे। ओ भाई काउंटर इसका वो हो गया, ट्रिगर हो गया आर्टिफैक्ट उल्वरीन का। ओके ओके ठीक है, इस बार मारेंगे। अरे नहीं हुआ था क्या, क्या मजाक हो रहा है यहाँ पे, नहीं हुआ था अभी तक। चलो मर गया मर गया मर गया उल्वरीन मर गया। ओ नहीं भाई साहब, एडम वॉरलॉक वन शॉट, ठीक है। हमारा स्पाइडरमैन मारेगा इसको, और अगर स्पाइडरमैन मर गया तो फिर हमारा एडम मारेगा इसको। भाई मारना स्पाइडरमैन OP गाइज, ठीक है। अब नंबर है नंबर 3 के खिलाफ खेलने का और इसके बाद में मैनुअल खेलेंगे, ठीक है। ओके, 3 नंबर पे ये बंदा है जीन एडम एंड वुल्वरीन। लेट्स गो गाइस, देख लेते हैं क्या करता है हमारा सिल्वर सर्फर टीयर 4 ऑटो पे। लेट्स गो भाई, एडम आ गया, भाई एडम आ गया सामने से यार, लगाया उसने जीन को था लीडरशिप में शायद से, पता नहीं यार। अरे चिचा कुछ तो करो, अरे इसके लिए यूज कर ले। ओ भाई मर गया, ठीक है एडम के खिलाफ मर गया, ठीक है कोई बात नहीं। चलो ये मैच तो शायद से जीत ही जाएंगे, स्पाइडरमैन मारेगा इसको। मार दे भाई स्पाइडरमैन, बेइज्जती मत करियो।
अरे फोर स्किल यूज कर ले। व्हाट, मर गया भाई, क्या दिया है इसने इसका? ओ कंक्वेस्ट दिया है क्या इसको? हाँ लग रहा है कंक्वेस्ट दिया है भाई। जीन ग्रे, व्हाट, क्यों, कैसे एडम जीन ग्रे से मर रहा? इतने बुरे दिन आ गए एडम के? नहीं यार ऐसा तो नहीं था हमारा एडम, यार ऐसा तो नहीं था हमारा एडम, ये क्या हो रहा है भाई। चलिए भाई लोग अभी मैनुअल का टाइम आ गया है, नंबर वन के खिलाफ मैनुअल, उसके बाद में 2-3 के खिलाफ मैनुअल करेंगे। इसके खिलाफ ना ऐसा थोड़ा सा टीम इधर करना पड़ेगा, इसको इधर करना पड़ेगा, या फिर मैं निकाल दूँ सिल्वर स्पाइडरमैन को। चलो मैं एक काम करता हूँ, सिल्वर सफर को सपोर्ट दे देते हैं थोड़ा सा। चलो गाइस एक काम करते हैं, मिस्टिक का सपोर्ट लगा लेते हैं। देखो मिस्टिक मैंने क्यों लगाया, यहाँ पे डैमेज इंक्रीज सुपर विलेन सुपर हीरो दोनों के खिलाफ है, सर्वाइबिलिटी के लिए तो रिजनरेशन लगाया ही है। ठीक है तो चलो देख लेते हैं यहाँ पे, और हाँ पहले इसको उतारेंगे फिर उसके बाद में खेलते हैं। लेट्स गो गाइस, मैनुअल करके देख लेते हैं। ओके थोड़ा मैनुअल करना है, और यहाँ पे भाई भागने तो दे यार। ठीक है ओके अभी स्विच करते हैं यहाँ पे वुल्वरीन के खिलाफ में। ठीक है एंड यस, यहाँ पे इसने वो करा आर्टिफैक्ट ट्रिगर, और भाई थर्ड स्किल, अबे भाई थर्ड स्किल यूज ही नहीं हुआ फिर भी मर गया वो। ठीक है कोई बात नहीं कोई बात नहीं, वो मर गया। अभी एडम आ गया, ओके एडम यहाँ पे ऐसे ही मर गया भाई। वन शॉट मत कर देना हिटमैन, यही तो मैं बोल रहा था मत कर देना। ठीक है एक बार मर गया था लेकिन दूसरी बार में वन शॉट कर दिया इसने भाई। किसका एडम मरा? अरे भाई रिफ्लेक्ट से, ओ माई गॉड रिफ्लेक्ट से मार रहा है ये। ओके गाइस तो नंबर टू के खिलाफ खेल लेते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या सीन चलता है। अरे हाँ एक मिनट, एक काम और कर देता हूँ, मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ और इस पे लगाता हूँ, और उसके बाद में एडम आएगा फिर, नहीं या तो सिल्वर, हाँ शायद सिल्वर सर्फर आएगा। एक मिनट रुक जाओ, मिस्टेक के बाद सिल्वर सर्फर आएगा फिर एडम आएगा, हाँ सही रहेगा ये सीन सही रहेगा। ओके लेट्स गो लेट्स गो, अरे भाई बच जा कुछ तो बच जा यार, थोड़ा सा तो रुक जाता। ओके यहाँ पे हम थोड़ा भाग सकते हैं और यहाँ पे थर्ड स्किल यूज करके मार सकते हैं। ठीक है भाई तू मारना मत इसको अभी, अभी रुक जा तू 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 काउंटर वाउंटर मत करना। ठीक है अभी अब मार इसको, हाँ ठीक है। एंड उल्वरीन आ गया, उल्वरीन के खिलाफ फोर स्किल यूज करो ताकि ये मिस कर दे अटैक, और फाइव स्किल भाई जा ना, ओ भाई ट्रिगर हो गया आर्टिफैक्ट। ठीक है ट्रिगर हो गया है, एंड थ्री मारना भाई, मर जाना उल्वरीन, क्या कर रहा चिचा भाई यार उल्वरीन, क्या हो रहा है यहाँ पे उल्वरीन भाई, कैसे नहीं मर रहा था। ओके ठीक है यहाँ पे ये हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, मतलब हाँ यार मार तो दिया उल्वरीन को बट भाई बहुत दिक्कतों के बाद। अरे वन शॉट नहीं करना होता है एडम चिचा, वन शॉट नहीं करना होता है यार, क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है कोई बात नहीं, जीत गए इसके खिलाफ। ओके तो भाई लोग फाइनल मैच नंबर थ्री के खिलाफ यहाँ पे है। अरे ये कौन आ गया नंबर थ्री पे, अभी तक तो नहीं था ना ये। ओके अभी ये लोग मैच खेल रहे हैं, देखो यहाँ पे फिर से यह बंदा आ गया नंबर थ्री पे। ठीक है चलो इसके खिलाफ खेल लेते हैं फाइनल मैच, लेट्स गो लेट्स गो। भाई एडम उतर गया मैदान पे सीधा। ओके एंड भाई कुछ तो रुक जा, कुछ देर तो रुक जा यार, रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट करेगा कुछ करेगा भाई, मर गया भाई, ये क्या हो रहा है भाई, क्यों हो रहा है भाई। अबे यार क्या हो रहा है, सिल्वर सफर क्या कर रहा है भाई, सिल्वर सफर क्या कर रहा है भाई, क्यों ऐसा कर रहा है, हमारे साथ गद्दारी हो गया भाई साहब, हमारे साथ गद्दारी हो गया है। देखो मैंने जितना खेला ना सिल्वर सर्फर को यूज करके, हाँ मतलब माइटी रिजनरेशन से मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला जो मिलना चाहिए, मतलब जो होना चाहिए था कि हाँ भाई सिल्वर सर्फर टीयर फोर, या तो मैं खेल गलत रहा हूँ या तो मतलब हाँ ठीक है सीटीपी तो गलत ही है, इसमें कहने वाली बात नहीं है, क्योंकि सुपर गार्ड ब्रेक का टाइम चल रहा है और मैंने अभी यहाँ पे लगाया है रिजनरेशन जिसमें सुपर गार्ड ब्रेक नहीं होता है। लेकिन गाइस रिजनरेशन देने के बाद में भी इसको सर्वाइबिलिटी की दिक्कत हो रही है, मैक्स एचपी है, गार्ड ब्रेक है, रिकवरी रेट है, ये शील्ड होल्ड इतना सारा होने के बाद में भी इसको सर्वाइबिलिटी की दिक्कत हो रही है। टेंशन मत लो, मैं माइटी अथॉरिटी वाला सिल्वर सर्फर का भी गेम प्ले दिखाऊंगा तुम्हें बहुत जल्दी। ठीक है जैसे ही मेरा वो अनलॉक हो जाएगा उसका पोटेंशियल, अभी उसका पोटेंशियल नहीं अनलॉक हुआ है, बताइए पता नहीं यार क्या बोलूँ मैं इसके बारे में, समझ में नहीं आ रहा है। तुम बताओ तुमको कैसा लगा ये गेम प्ले वगैरह और कैसा लगा इसका परफॉर्मेंस, बाकी हाँ अथॉरिटी वाला देखेंगे माइटी अथॉरिटी वाला सिल्वर सर्फर कैसा काम करेगा, और लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कुछ कर देना। ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।